हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने पिंक कलर की बाजू कट कर ली है अपनी। उसके बाद ये मैंने 2.5 इंच की एक पट्टी ली है पिंक कलर की, और कुछ ग्रीन कलर के ये पीसीज लिए हैं। उसके बाद हम इन्हें इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम अपनी बाजू पर इसे अटैच करेंगे। ये पट्टी पर अटैच करेंगे, यहाँ पर ग्रीन ये किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरी बाजू में हम इसी तरह से ट्रायंगल शेप देते हुए फोल्ड करेंगे और ये डिजाइन अपना लगाते हुए जाएंगे। और दूसरी तरफ भी हम उसी साइड फेस करते हुए इस तरह से इनको एक दूसरे से टच कर कर इस तरह से मिला लेंगे। बिल्कुल एक दूसरे के सी आमने सामने हम इनको लगा लेंगे। पूरे में हम इसी सीध में इस तरह से इस साइड भी ऐसे ही बना के लगाएंगे। उसके बाद हम एक ग्रीन कलर का धागा सुई में परो लेंगे। उसके बाद इस तरह से किनारी को लेंगे दोनों को, और एक वाइट कलर का मोती अटैच करेंगे इस तरह से। इस पट्टी पर हमने मोती लगाकर अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाजू की सीधी साइड रख के को लेंगे, ये सीधी साइड है। उसके बाद हम इस तरह से इसको ऐसे करेंगे उल्टा, और इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और एक किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अभी हमने डबल फोल्ड करके एक 2-3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, दोनों तरफ 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हम निचले वाले हिस्से को इस पट्टी के इस साइड रखेंगे और इसके ऊपर एक किनारी पर एक और सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले सिलाई लगा रखी थी उसी के ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी ये किनारी यहाँ पर फोल्ड हो रखा है, ये इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और एक किनारी पर सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से बिल्कुल नए लुक के साथ हमारा बाजू डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। लेकिन आप इसको पैंट की मोर में बना सकते हो, किसी और बाजू में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप किसी भी दो कलर से इस तरह से बाजू डिजाइन बना सकते हैं या पैंट मोरी डिजाइन बना सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा मोरी डिजाइन बाजू डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।